हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में भाजपा के सुभाष वर्मा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद कांग्रेस और बसपा की राजनीति में अंतर्कलह निकलकर सामने आई है। 47 में से 6 सदस्य वाली भाजपा का अध्यक्ष चुना जाना कांग्रेस और बसपा के गले नहीं उतर रहा। अब दोनों ही पार्टी के नेता सरकार पर धनबल का प्रयोग कर चुनाव जीतने और अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों पर भाजपा के हाथों बिकने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य राव अफाक अली ने इस हार का जिम्मेदार अपनी ही पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को ठहराया। राव अफाक अली ने पंचायत सदस्यों का बीजेपी के हाथों बिकने का आरोप लगाया और राव ने मांग की है कि बागी सदस्यों के खिलाफ जांच हो और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। इसके साथ ही राव ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक का कोई सहयोगी न मिलने की बात भी है। जनता पार्टी की सरकार में श्याम दाम दंड भेद, इसके अलावा सरकार और संगठन का पूरी तरीके से सक्रियता से काम करना और हमारे संगठन का प्रदेश लेवल पे हो, चाहे जिला लेवल पे हो, चाहे शहर लेवल पे हो, किसी तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया, जिसका हमें बेहद अफसोस है। हम चाहते हैं कि इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने गद्दारी की है उन्हें गद्दारी की सजा, उनका वो समाज और क्षेत्र भी दे जहां से वो सेकुलरिज्म के नाम पर जीत कर आए हैं, और पार्टी भी उनको दे कि जिस पार्टी के समर्थन पे वो समर्थित होकर जीत के आए थे, पार्टी भी उन्हें सबक सिखाए और जनता भी सबक सिखाए। ये वरना ये जो है अगले आने वाले भविष्य में बहुत गलत होगा। जो लोग जिला पंचायत के सदस्य रहते नहीं पार्टी का साथ दे सकते, वो लोग विधायक बन गए या सांसद बन गए पार्टी की बागडोर कैसे। वहीं बसपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस जीत को भाजपा सरकार की बेईमानी करार दिया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल ने कहा कि भाजपा ने उनकी पार्टी के सदस्यों पर वोट पाने के लिए दबाव बनाया और उनकी खरीद फरोख्त की। अब वो जल्द ही बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलकर इस घटनाक्रम की जानकारी देंगे, जिससे भाजपा के हाथ बिकने वाले जिला पंचायत सदस्यों की जांच कराई जा सके, साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने की बात भी कही है। ये सरासर बेईमानी ससीट गई है। जब प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई कि भाई इस सीट पे चुनाव होगा, चुनाव होने के से पहले ही चुनाव करा दिया गया है, तो सरासर बेईमानी है। उससे पहले सब खरीद फरोख्त करके करने के बाद में उन्होंने चुनाव घोषित कर दिया, समय नहीं दिया। निर्दलीय को समर्थन हम लोगों ने किया है, चौधरी साहब उनके साथ मुस्तैदी से खड़े रहे। कुछ हो सकता है, कुछ मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी दो दिन पहले कि भाई बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वोट क्रॉस नहीं करेंगे, परंतु जो भी परिस्थिति हुई वो सरकार के दबाव में हुई। हाँ, देखिए मैं मान्य बहन जी से इस बारे में मैं संज्ञान में ला करके मान्य बहन जी से बात करूंगा, जिन लोगों ने भी इस तरह की कोई ऐसी कार्रवाई की होगी और मेरे संज्ञान में आएगा। भले ही बसपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता इस जीत को लेकर आरोप लगा रही हो, लेकिन भाजपा ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा करके अपने 20 साल के वनवास को तोड़ दिया, जिसकी खुशी सुभाष बराला के चेहरे पर साफ देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी ढोल नगाड़ों के साथ सुभाष वर्मा की जीत का जश्न मनाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।